अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है और हम लोगों ने स्टार्ट लिए हुए एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर ऐसी डिवाइस है किसी भी चार्ज पार्टिकल को, सब एटॉमिक पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होते हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ जगह पे हमें से हमारे पास कहीं रिसर्च में हमें कहीं ऐसे चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत होती है जो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं। या फ्यूजन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइट न्यूक्लियर आपस में कंबाइन होने लगते हैं, तो वहाँ पे उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग कूलम रिपल्शन होती है, हमने उस रिपल्शन को ओवरकम करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसके मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए से उस कूलम बैरियर को या कूलम जो रिपल्शन है उसे ओवरकम कर सकते हैं। उसमें एक हमारे पास मेथड ये है कि हम उन्हें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो भी हमारे पास बैरियर को ओवरकम कर सकेंगे। या हम लोग ऐसा करें कि अपने चार्ज पार्टिकल को, दोनों चार्ज पार्टिकल में से किसी एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा दें हाई स्पीड के साथ। तो अब हमारे पास एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें जिस डिवाइस की ज़रूरत होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटर। तो हमने मुख्तलिफ एक्सेलरेटर स्टार्ट लिए हुए हैं। सबसे पहला जो हमारा एक्सेलरेटर था वो लीनियर एक्सेलरेटर था। वो हमारे पास सम एटॉमिक पार्टिकल को एक्सेलरेट तो करता है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज था कि उसका साइज़ जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसे मैनेज करना मुश्किल है। उसके बाद सेकेंडली हम लोगों ने किया साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर ऐसा एक्सेलरेटर जो चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करता है, और इसका जो साइज़ होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्यूज यूज़ होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों यूज़ हो रही थी, तो उसका जो साइज़ था वो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर से थोड़ा कम था। तो ये एक उसका हमारे पास एडवांटेज था, लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ नहीं होता। फिर उसके बाद हम लोग किया था सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन ऐसा एक्सेलरेटर था जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ऐसे चार्ज पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है उसका मैस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब मैस बढ़ता है तो हमारे पास साइक्लोट्रॉन के मुताबिक फ्रिक्वेंसी कम होती है, तो हमने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को मैनेज करना था। आज जो हमारे पास एक्सेलरेटर है वो हमारे पास नेक्स्ट एक्सेलरेटर वो हमारे पास है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। अब प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में क्या होता है कि हमने जो चार्ज पार्टिकल जिसे एक्सेलरेट करवाना है वो हमने पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन लेना। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रोटॉन होता है ये इनिशियली मूव कर रहा होता है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, लेकिन टाइम टू टाइम ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा इसके पास एनर्जी गेन हो जाती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, बेसिकली यहाँ पे हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग इस चीज़ को भी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और हम लोग वैसे जनरल एक कंसेप्ट पे चलते हैं, हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में एक पेन है, और जैसे हम उस पेन को अपने हाथ से रिमूव करते हैं वो पेन ऑटोमेटिकली हम देखते हैं डाउनवर्ड की तरफ मूव कर जाता है, ज़मीन की तरफ गिरता है। अब उसकी रीज़न क्या है ज़मीन की तरफ गिरने की, कि हमें पता है कि अर्थ के पास एक फ़ोर्स है जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, जैसे आप पेन को अपने रिमूव करते हो हैंड से तो ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ खुद ब खुद मूव कर जाता है, आप कुछ भी उसके ऊपर नहीं करते, कोई वर्क नहीं परफॉर्म करते। लेकिन आप इसके अपोजिट आप एक काम करो कि आपके पास एक पेन है जो कि हमारे पास ग्राउंड में पड़ा हुआ है, तो क्या ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकल खुद ब खुद वो आपके हैंड में आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। आपको क्या करना पड़ता है कि आप नीचे डाउन खुद होंगे, हाथ से फोर्स अप्लाई करेंगे, उस फोर्स अप्लाई करने से फिर क्या होगा, आप पेन को उठाएंगे और उसे अपने हाथ में होल्ड कर लेंगे। तो आपने देखा है कि ग्रेविटी की तरफ जो ऑब्जेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकल खुद ब खुद चले गए, हमें कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब हम अप में मूव करवाना चाहते हैं, मीन अगेंस्ट द ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना पड़ता है। जो हमेशा याद रखना है, जब भी अगेंस्ट द फील्ड हमने किसी चीज़ को मूव करवाना होता है तो अगेंस्ट द फील्ड हमें वर्क करना पड़ता है, और जो हम वर्क करते हैं वो उसके अंदर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पे भी यही होता है कि मापा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी अपना जो चार्ज पार्टिकल होता है उसे अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो हम उसके ऊपर एक्सटर्नली वर्क करते हैं, और वही जो एक्सटर्नली हमारा वर्क होता है वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक, जो वो मूव भी कर रहे हैं ना, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी उसके पास है,
मोशन की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, इट मीन टोटल उसकी एनर्जी अब बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, तो हर दफ़ा वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता जाता है। तो हमारे पास प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन एक ऐसा एक्सीलरेटर है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जो है वो इनिशियली उसके पास जस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे ही हमारे पास उसे हम रिसर्च रिएक्टर में या हमारे पास एक्सेलरेटर के अंदर भेजते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी रीज़न हमने पढ़ ली कि जैसे हम इसे फील्ड में भेजते हैं अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए, हम उस पर वर्क करते हैं, वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहे हैं। तो इसका प्रिंसिपल भी ये है कि हमारे पास इसको, एक तो हम ये देख रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ साथ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। और हमें ये भी ऑलरेडी पता है, इस कंसेप्ट को भी हम जानते हैं कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उन्हें सर्कुलर पाथ में बेंड करती है। मीन जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटॉन को हम लोगों ने, मतलब उस चैम्बर के अंदर हमने एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड की हुई है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होगा वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब हमने इससे पहले जो हमारे पास साइक्लोट्रॉन का किया था या हमारे पास सिंक्रोट्रॉन का किया था, तो उसमें हम देखते थे कि जब भी वो हमारे पास एक अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करते हैं एक डी के करार, तो नेक्स्ट हाफ में उनका क्या होता है, रेडियस बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये फोकस रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज़ करेंगे टाइम के साथ, देखिए उसे ऐसा इंक्रीज़ करना है कि वहाँ पे रेडियस नहीं बढ़े। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मदद से आप लोग करेंगे कि उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करोगे, वो रेडियस को इंक्रीज़ करने में हमारे पास नहीं होगा। मेन ये है कि यहाँ पे वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा लेकिन एक कांस्टेंट रेडियस के अंदर, ही नहीं होगा कि हर टाइम इसका रेडियस बढ़ जाए, बल्कि हम देखेंगे कि वो एक ख़ास रेडियस के अंदर हमारे पास मूव करेगा और उसकी जो एनर्जी होगी वो टोटल जो एनर्जी होगी वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास था प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम आते हैं डायग्राम के ऊपर। अच्छा, इसकी डायग्राम में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेन जो अगर हम कंपोनेंट की इसकी बात करें तो हमें क्रॉस नज़र आ रहे हैं, क्रॉस का मतलब है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की हुई है। दूसरा आप देख रहे हो तो आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट प्लेट की फॉर्म में हमारे पास एक क्वार्टर प्लेट की फॉर्म में हमें आज मिल रही है अपना जो एक्सेलरेटर है वो प्लेट की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वार्टर प्लेट लेते हैं जिनकी 30 सेंटीमीटर हमारे पास में जो 30 सेंटीमीटर फीट जिनकी लेंथ होती है। दरमियान में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कुछ डॉट शो हो रहे हैं, ये दरमियान में गैप शो हो रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट प्लेट इनके अंदर लगाई जाती है। इन स्ट्रेट प्लेट के ज़रिए से क्या होता है कि ये हमारे पास इन प्लेट के ऊपर ये जो दरमियान में डार्ट वाली हैं, यहाँ पे हमारे पास ऐसी स्ट्रेट प्लेट लगी होती हैं जो हमारे पास ऑक्सीलेटर के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं। और ऑक्सीलेटर क्या करता है कि अपनी पोलैरिटी को चेंज कर सकता है, तो जैसे जैसे वो पोलैरिटी को चेंज करेगा उसके मुताबिक हमारा वर्क होगा, वो वर्क में हम मज़ीद चेक करेंगे। और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, आयन सोर्स की ज़रूरत है जिस आयन को हम लोगों ने एक्सेलरेट करवाना है, एक्सेलरेटर की ज़रूरत है, और हमारे पास एक क्वार्टर प्लेट की हमारे पास ज़रूरत है, मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है और इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट देख लेते हैं। तो हमें 4 क्वार्टर ट्यूब चाहिए जो 30 सेंटीमीटर रेडियस के साथ हो, इनके अंदर जो स्ट्रेट जो डॉटेड लाइन के साथ मैं आपको बता रही थी वो हमारे पास स्ट्रेट हमारे पास सेक्शन चाहिए होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए होते हैं, और यहाँ पे बीच नहीं है, ईच है वर्ड। तो हर एक की जो हमारे पास लेंथ होती है उन स्ट्रेट कंडक्टर की, वो हमारे पास 10 फीट है। इसी तरह हमें मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, आयन सोर्स चाहिए, एक्सेलरेटर हमारे पास वहाँ पे यूज़ हो रहा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हमारे पास पोटेंशियल को वेरी करने के लिए यूज़ हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें ज़रूरत है। ये तो थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं वर्किंग के ऊपर। वर्किंग के ऊपर दोबारा डायग्राम में आते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि हमने आयन सोर्स को, ये जो हमारे पास एरो 3 मिल रहे हैं, यहाँ से हमारे पास आयन सोर्स को इंटर करते हैं अपने चैम्बर के अंदर। चैम्बर के अंदर जैसे ही हमने इंटर किया तो चैम्बर को एक्सेलरेटर प्रोवाइड हुआ है। एक्सेलरेटर का एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम कहते हैं कि हमारा जो करंट है वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव मीन एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है।
तो हमारे चार्ज पार्टिकल भी क्या होंगे कि एंटी क्लॉक वाइज फ्लो कर रहे होंगे प्रोटॉन इसी साइकिल में। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, मीन मोशन कर रहे हैं, तो अभी उनके पास काइनेटिक एनर्जी। अब एक्सेलरेटर में क्या होता है कि हमारे पास ऐसी वेव है, साइनोसाइडल वेव है, जिसका एक अपर पोर्शन है और एक लोअर पोर्शन है। अपर, अभी हमारे पास जो आ रहा है वो एक अपर पोर्शन आ रहा है, मीन क्रस्ट आ रहा है, और क्रस्ट के दरमियान हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास क्रस्ट के दरमियान हम कह रहे हैं कि हमारी जो राइट साइड है वो नेगेटिव है और जो लेफ़्ट साइड है वो पॉजिटिव है। तो हमारा चार्ज पार्टिकल हमारे पास लेफ्ट को हम लोग कह देते हैं, नहीं राइट को हम कहते हैं पॉजिटिव है और लेफ्ट को नेगेटिव कहते हैं, और चार्ज पार्टिकल वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद हमारे पास एक्सेलेरेटर अपनी जैसी अपने फेस को चेंज करता है तो हमारी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब राइट वाला जो है वो नेगेटिव हो गया और लेफ्ट वाला जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो अगर पहले हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही थी, फौरन अब उन्होंने क्या करना है, अपनी डायरेक्शन चार पार्टिकल ने चेंज करनी है। तो पहले अगर फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव थी, अब अगेंस्ट फिर हमने फील्ड काम करना है। तो ये जो अगेंस्ट हम लोग काम करेंगे, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने की वजह से अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो वो काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, तो इसमें उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, टोटल एनर्जी। और इसी तरह हमारा एक्सेलेरेटर क्या करता है, अपनी जो सिग्नल है उसे वेरी करता रहता है, और हर दफ़ा हमारी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हमारे पास पोलैरिटी चेंज होगी, हर दफ़ा अगेंस्ट दी पोलैरिटी जब भी हम वर्क करेंगे, वो वर्क उसके अंदर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और इस तरह हमारे चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी है वो हमारे पास बढ़ती जाएगी, और इसी एनर्जी की वजह से वो हमारे पास एक्सेलरेट करेगा इसी हाई वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास पिछले दो जो हमारे पास एक्सेलरेटर हैं उनसे थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस था इनके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास के एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस का ये है कि ये हमारे पास किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल को हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करवाने के लिए यूज़ होता है, जो हमारी रिसर्च के अंदर, जो फिजिक्स रिसर्च में, जहाँ पे हमें ऐसे पार्टिकल की ज़रूरत होती है जिनकी एनर्जी हाई हो, तो हम वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था हमारे पास प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। तो जैसे जैसे दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, तो हमने पहले किया हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो ये एक ऐसा हमारे पास एक्सेलरेटर है जो चार्ज पार्टिकल की टोटल एनर्जी को हमारे पास इंक्रीज़ करता है। शुरू में उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और बाद में उसकी एनर्जी बढ़ती है। उस बढ़ने की रीज़न यह है कि उसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने की वजह से हमारे चार्ज पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी वो हर टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमने प्रिंसिपल इसका किया। तो प्रिंसिपल में हमने कहा है कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। यहाँ पे वो हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव तो करेगा, लेकिन उसका रेडियस जो है हर टाइम इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि हमारे पास इस तरह का वर्क ये करेगा कि उसकी जो एनर्जी होगी वो हर टाइम हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट हमने डायग्राम देखी। हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्वार्टर, हमें क्वार्टर मतलब स्केयर वाले फीट ट्यूब चाहिए, जिनका जो लेंथ है वो 30 फीट है। इनके अंदर जो स्ट्रेट हमारे पास ट्यूब है उनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है, आयन सोर्स की ज़रूरत है, और एक्सेलरेटर की ज़रूरत है। वर्किंग हमने देखी कि जैसे ही आयन सोर्स आएगा फील्ड में मूव करेगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास एक्सेलरेटर की फेस चेंज होगा तो हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, और जैसे हम अगेंस्ट द फील्ड काम करेंगे तो वही अगेंस्ट द फील्ड वर्क हमारा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, जिसकी वजह से हमारी टोटल जो एनर्जी होगी किसी सिस्टम की वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। और फिर हमारे पास इसका एडवांटेज किया। एडवांटेज हमारे पास है यही है कि ये ऐसा एक्सेलरेटर है जो सब एटॉमिक पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल को हाई एनर्जी से साथ एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये आज का हमारे पास लेक्चर एंड हो गया। इंशाल्लाह कल एक नए एक्सेलरेटर के साथ हम लोग स्टार्ट लेंगे। तो ये एक्सेलरेटर इस तरह इंपॉर्टेंट है कि इसकी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब हर एक एक्सेलरेटर के ये कंपेरिजन में आ सकता है कि इन दो में एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, या उसके मुकाबले में हम ये एक्सेलरेटर क्यों यूज़ करते हैं, या इनका प्रिंसिपल क्या है। तो इस तरह के या सर्किट डाइग्राम आ सकते हैं, तो इस तरह के लॉन्ग तो हैं क्वेश्चन बन जाता है, पूरा कम्प्लीट एक क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी इनके अंदर से बहुत सारे बन जाते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।